अवैध रूप से बनाई जा रही शराब की पेटियां, शराब बनाने की सामग्री, ओपी नकली शराब का भरा ड्रम, अन्य सामग्री पकड़ी। मुख्य आरोपी विद्युत ठेकेदार, पिछड़ा वर्ग मोर्चा महामंत्री पंकज लोधी फरार। करैरा में उप जेल के सामने से शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई है। पिपारा ग्राम से शराब बोतल पैक करने वाली मशीन पैरामीटर अवैध रूप से पकड़कर करैरा थाने में जब्त की गई है। जेल के सामने शंकर यादव का मकान है, उसमें पंकज लोधी है, उसका गोदाम किराए पर लिए हुए है। उसमें अवैध रूप से भारी मात्रा में अवैध शराब के रखीला भरा हुआ है। उस सूचना पर से दबिश दी गई तो 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक खंगेना नाका है। 5 आरोपी मैगांव थाना क्षेत्र के हैं, जो जिला भिंड में लगता है। वहाँ से काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया। 25 पेटी देसी शराब की पकड़ी गई थी तथा 150 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई थी। उसके पास जब पूछताछ की तो उसने बताया कि मुहार में जो भौती का हाल लगता है, उसमें शराब की फैक्ट्री लगी हुई है, वहाँ से हम निर्माण कर रहे हैं तथा लोगों को जगह जगह जाकर बिक्री कर रहे हैं। उस सूचना के आधार पर वहाँ दबिश दी गई तो करीब 450 लीटर ओपी शराब पकड़ी गई है और काफ़ी मात्रा में बारदाना पकड़ा गया है और आरोपी भी गिरफ्तार हुआ है वहाँ से। ये कुल कीमत इसकी कितनी आगे जा रही है? करीब 1 करोड़ से ऊपर इसकी कीमत है। इसमें कुछ स्टिकर भी मिले हैं जो कि सरकारी तौर पर उपयोग किए जाते हैं। ये हाथ से बनाते हैं, मशीन मिली हुई है और काफ़ी बारदाना मिला, रैपर भी मिले हैं और हूबहू नकल बिल्कुल वैसी बनाई जाती है जैसे देसी शराब गवर्नमेंट जो बनवा रही है। कितने आरोपी टोटल इसमें हैं? जो नंबर बताया गया है वो धार जिले का बताया जा रहा है, उसकी तस्दीक अपन की जा रहे हैं, कर रहे हैं। बारकोड उसमें लिखा हुआ है, धार जिले का नंबर है। उसके संबंध में विवेचना की जा रही है और कार्रवाई अभी चल रही है। कितने टोटल कितने आरोपी गिरफ्तार? 7 आरोपी गिरफ्तार हुए। कितने महीने से आप वर्ष से चला रहे हैं? जी करीब 5 माह से चला रहे हैं।